हेलो गाइस, सोना की किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बैगन का भरता बहुत ही आसान तरीके से। चलिए शुरू करते हैं अब बनाना। हमने चार मीडियम साइज़ के बैगन लिए हैं और ये दो टमाटर। इन सब में अच्छे से हम ऑयल लगा लेंगे। अच्छे से ऑयल लगाने के बाद हम इसे गैस पे सेकेंगे। एक एक करके हम गैस पे इन्हें रखेंगे और मीडियम आंच पे इसे हम पकाएंगे। ये देखिए, हमने बैंगन भी साथ में रख लिए हैं। ऐसे घुमाते हुए हम चारों तरफ से इन्हें पका लेंगे धीरे धीरे। देखिए, हमारे बैंगन अच्छे से पकना शुरू हो गए। देखिए, ऑलमोस्ट हमारे बैंगन पक चुके हैं। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारे चारों बैंगन और ये दोनों टमाटर अच्छे से पक गए हैं। देखिए, देख के आपको पता चल रहा होगा कितने अच्छे से ये पक गए हैं। ये देखिए, छिलका भी इनका आसानी से निकल जा रहा है। अब इन्हें हम सब साफ कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, हमने साफ करके रख लिया है। चलिए अब हम फ्राई करेंगे। हमने मेथी डाली है, साथ ही डाला हमने सरसों। इसको एक दो मिनट के लिए पका लेंगे। मेथी हमारे पेट के लिए बहुत ही फायदा करती है और जो बैंगन का बादीपन है वो भी कम हो जाता है इससे। अब हमने डाले हैं मिर्च और मीडियम साइज के दो प्याज। इसको अच्छे से पका लेंगे एक दो मिनट के लिए। देखिए, ये पक चुका है। अब हम डालेंगे लहसुन और अदरक। इसको भी हम अच्छे से एक दो मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए, अच्छे से पक गया है। अब हम डालेंगे इसी में टमाटर। इसको भी हम पकाएंगे एक दो मिनट पका के। अब डालेंगे हम कुछ मसाले। हल्दी थोड़ी सी डाली है हमने, एक चौथाई चम्मच। स्वाद अनुसार नमक एक चौथाई, गरम मसाला एक चौथाई, धनिया पाउडर डाला है। ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने इसमें। इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए, अच्छे से पक गया। अब इसमें हम डालेंगे जो बैगन हमने छील के रखे थे, उसे हम इसमें मिक्स कर लेंगे मसालों में अच्छे से। ये देखिए, इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ये सब चीज़ अच्छे से पक चुकी है पहले से ही। इसे हम 5 मिनट ऐसे ही पकाएंगे और उसके बाद देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, देखो अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम डालेंगे धनिया गार्निश के लिए। आप इस तरीके से बना के एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा बना है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।